सो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रिव्यू एवरीथिंग में। तो आप जैसे कि देख रहे हैं, आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं प्रोफेशनल मिक्स लुक बेड वैक्स की, जो कि मैंने मीशो से मंगाया है। तो आप देख सकते हैं। तो पहले तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ, ये बीन्स हैं जो कि मेल्ट होकर, जैसे चॉकलेट मेल्ट होता है वैसे मेल्ट करके लगाते हैं, जो कि आपके सारे स्किन के हेयर्स वगैरह निकाल देंगे। तो ये देखिए, इन्ग्रीडियंट्स वगैरह लिखे हैं, इंस्ट्रक्शन लिखे हैं, मेल्ट द वैक्स ओवर लो हीट इन ए स्मॉल सॉस पैन ऑफ सुटेबल डिश। तो ये मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगा। और ये देखिए, कहाँ नहीं यूज़ करने हैं, वो सब सेंसिटिव एरियाज पे नहीं यूज़ करने हैं। डू नॉट एक्सपोज द डेब्रेटिव एरिया टू द सन फॉर एटलीस्ट, मतलब लगाने के बाद, मतलब यूज़ करने के बाद 24 घंटे आप उसमें, मतलब धूप वगैरह में ना जाए। और बिफोर स्टार्टिंग मेक श्योर द स्किन इज क्लीन एंड ड्राई, मतलब स्किन सूखी होनी चाहिए और ड्राई, नो ग्लीस और स्वेट ऑन इट, मतलब कुछ भी इस पर नहीं, आप देख लीजिएगा। और फिर ये बाकी मेड इन इटली वगैरह लिखा है। तो भाई मैं दिखा देता हूँ मैंने कहाँ से मंगाया, जो कि मैंने मीशो से मंगाया था। तो ये देखिए मैंने जो मंगाया था, ये देखिए आप यहाँ सारे बहुत सारे प्रोडक्ट देख सकते हैं, ये सारे, ये बस ध्यान रखिएगा मिक्स लुक के हों, ये देखिए मिक्स लुक के हों। और ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, ये देखिए स्किन प्लस का है, तो आप ये मत मंगाइएगा, मिस लुक का ही मंगाइएगा ज़्यादा अच्छा। और ये बहुत सारी, मतलब कि अलग अलग, मतलब रेट्स पे अवेलेबल है, जो आपको सही लगे वो मंगा लीजिएगा। मुझे याद नहीं मैंने कितने का मंगाया था, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जो भी आपको मंगाना हो। तो गैस यहाँ पे देखिए आप इसको, मतलब कि पूरी किट जो है ये, इसकी देखिए पूरा, मतलब कि जो वैक्स हीटर है और ये स्पैचुला जो लगाने के लिए जो भी है, और ये इसकी स्ट्रिप्स हैं और बीन्स भी, इसमें सारा सब कुछ दिया गया है। तो ये पर बहुत ही महंगा है, 643 का है, तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी वैक्स हीटर की। ये आप वैसे भी मेल्ट करके, जैसे चॉकलेट को मेल्ट करते हैं, वैसे मैं भी आपको करके दिखाऊंगा, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और ये स्पैचुला की जगह आप स्केल ले सकते हैं, आपके घर में नाइफ हो उससे भी लगा सकते हैं। तो चलिए आगे का शुरू करते हैं। पर जो भी चैनल में नए लोग हैं, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए मैं इसको खोल लेता हूँ जल्दी से। तो गाइस ये देखिए ऐसे निकली हैं, पिंक कलर की, बहुत ही हार्ड ही बॉल्स लग रही हैं। ये देखिए, ये तो, और ये मैंने स्केल ले लिया एक तरफ, ये इसको यूज करने के लिए। तो चलिए मैं इंडक्शन लेके आता हूँ, फिर उस पर करके दिखाता हूँ। सो गाइस देखिए मैंने पूरा सेटअप ले लिया, रेडी कर लिया। तो ये देखिए मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। तो इसकी मदद से आपको वो, मतलब वैक्स हीटर नहीं लेना पड़ेगा अगर आप इससे यूज़ कर लेंगे। तो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, पानी को गर्म कर लेते हैं। और ये इसके बीच में भी एक बाउल रख लेंगे, और ये इसमें जो भी आपको क्वांटिटी में यूज़ करना, मैं तो सिर्फ दिखा रहा हूँ, मुझे यूज़ नहीं करनी, तो मैं बहुत थोड़ी सी डालता हूँ। और ये हम लोगों ने नाइफ ले लिया है, स्केल नहीं ली, स्केल से मतलब कहीं प्लास्टिक की है मेल्ट वगैरह ना हो जाए, इसलिए तो ये लिया है मैंने। बस पानी गर्म हो रहा है धीरे धीरे। यार शायद आपको दिख रहा होगा, देखिए ये मेल्ट होना शुरू हो गई है, देखिए जैसे चॉकलेट मेल्ट करती है वैसे, बिल्कुल चौको चिप्स वैसे बिल्कुल, ये देखिए। पर इसको भाई हाथ में लगाने में तो बड़ा डर लगेगा, तो गरम नहीं लग रहा है, देखता हूँ। वो भाई देखो चिपक रहा है तो बहुत तगड़ा। ओ भाई साहब देखिए कितना टाइट चिपक रहा है यार ये तो, ये देखिए पूरा मेल्ट होने लग गया, जैसे कि आप देख सकते हैं। देखिए तो देखिए आपका वैक्स हीटर आपको नहीं लेना पड़ेगा इसकी। धीरे कर धीरे कर धीरे कर धीरे कर, नो बाहर निकलेगा बाहर। तो भाई यहाँ पे मैं आपको, चलो थोड़ा सा अप्लाई करके दिखाता हूँ, पता चले कि कितनी देर में क्या। पर भाई तो गर्म ना हो, गर्म तो नहीं लग रहा है, पर बड़ा चिपचिपा सा प्रोसेस है, गरम तो नहीं है, पर भाई छुड़ाने में मुझे लग रहा है हालत खराब हो जाएगी। जैसा होगा मैं आपको बताऊंगा, अगर ज़्यादा मतलब पता नहीं, करके देखता हूँ, मुझे खुद डर ही लग रहा है। तो यहाँ मैंने लगा लिया, मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लगाया है अपने
मुझे काफ़ी डर लग रहा है, तो मैंने ऐसे ऐसे एरिए पर लगाया जहाँ कम ही बाल हो, तो लगाते ही सूख गया। और ये देखिए यहाँ पे ये भी सारा मेल्ट हो चुका है भाई साहब। गरम तो है, गरम है पर इतना ज़्यादा गरम नहीं। आप इसको लगा सकते हैं मतलब कि फोरहेड वगैरह पे तो आराम से लगा लेंगे, और बाकी चीक्स वगैरह पे शायद आपको गरम ज़्यादा लगे। भाई कितना तगड़ा चिपक रहा है, तो एक भी बाल नहीं छोड़ेगा। ये जो यूज करके ऐसे से कर दो वापस डाल दो, गल जाती है उसी में। तो ये देखिए यहाँ पे देखो पूरा सूख गया, तो मैं इसको निकाल। ओ भाई साहब तो बहुत दर्द कर रहा है, तो यार ये तो इसको हाँ भाई देखिए इसमें कैसे चिपक गए हैं बाल सारे, देख रहे हैं ये देखो साफ हो गया पूरा वहाँ का। अरे भाई साहब ये देखिए पूरा एक एक बाल निकल आया भाई, ये देखिए क्लियरली दिख रहा होगा इसमें, ये देखो भाई एकदम एकदम साफ चकाचक। मतलब दर्द नहीं हुआ ज़्यादा, पर हाँ ठीक है जैसा भी है। बाकी आपको अगर लेना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी ये वैक्स सीटर आपको नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे आप कर सकते हैं, अगर किसी को लेना हो तो ले सकते हो। बाकी आप इसका नाइफ़ का यूज़ कर सकते हैं, स्केल का यूज़ कर सकते हैं, और चेहरे फोरहेड पे यूज़ करना है भाई तो आप अपना देख लीजिएगा यूज़ करना है कि नहीं करना है, जैसा जैसा आपका दिल करे। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी चैनल पर नए लोग थे प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग आ वीडियो।